यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास चित्र आएंगे, हम जैसे सुबह परी होता नहीं है सुनना बोलना उससे संबंध, और ये रिकॉर्डिंग से संबंध, और ये पठन से संबंध, और ये लेखन से संबंध। तो ये हमारा भाषा का और ये संख्यात्मक ज्ञान ये जो आपके सिंबल हैं लेखन से संबंधित, और आखिरी में आपका आकलन वगैरह जो होता है उससे संबंधित। आगे हम लोग चलिए, कल की पुनरावृत्ति हम लोगों ने जो देखा भी हमारा है, और आगे चलते हैं। ये देखिए जो हमारा सत्र है इसमें हम साप्ताहिक चरणों का संलेखन करेंगे, जो जैसे साप्ताहिक शिक्षण प्रक्रिया के चक्र हम कैसे चलाएंगे, शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक तैयारी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझेंगे, साप्ताहिक शिक्षण चक्र का अवलोकन करेंगे और समीकरण करेंगे। हम इस सत्र में ये देखते हैं, आइए आगे बढ़ें। हम लोगों ने इसको देखा है, ध्यान से देखें, एक से चार दिन, फिर पांचवा दिन, छठवां दिन और सातवां दिन। यहाँ पे एक प्रश्न देखने में लगता है कि जैसे हम लोगों ने जो भी हम करते कि हमारे सप्ताह कितने दिन के थे, छह दिन, और यहाँ पे दिन सात दिया गया, यानी छठवें ही दिन हम लोग क्या करेंगे, गृह कार्य भी देंगे, यानी उसके लिए अलग से कोई दिन नहीं है, उसी छठवें दिन, छठवें दिन हम लोग क्या करेंगे, दिया पुनरावृत्ति, और उसी दिन हम लोग गृह कार्य भी देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आप पहले तो इस कलर को देखिए, ये आपका जो भी अनुदेशात्मक कार्य है या जो शिक्षण का कार्य है, ये किस कलर से संबंध रखा है, ब्लू से। तीन शिक्षण योजना, तीन कार्य पत्रक और तीन अभ्यास गतिविधि, ये गणित की बात हम लोग कर रहे हैं, भाषा में पूछना होता है, लेकिन ये गणित की हम लोग बात करें तो तीन शिक्षण योजना एक हफ्ते में, एक सप्ताह में तीन शिक्षण योजना, तीन कार्य पत्रक और तीन अभ्यास गतिविधि। अच्छा, इसको अगर हम कालांश से बांटें तो ये शिक्षण योजना किस कालांश में रहेगी, पहले कालांश में है, क्रम से ही लिखा है, पहला कालांश, दूसरा कालांश और तीसरा कालांश, तो क्रम से लिखा है। पहले कालांश में शिक्षण योजना जो, दूसरे कालांश में हम लोग क्या करेंगे, कार्य पत्रक पर काम करेंगे, और तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि, यानी इस पर हम लोग काम करेंगे। और ये कार्य पत्रक और अभ्यास गतिविधि ये कहाँ पे मिलेगा हमको, वर्कबुक में, कहाँ पे मिलेगा, वर्कबुक में। और ये शिक्षण योजना कहाँ मिलेगी, प्रदर्शन में, पीजी में इसको ये पीजी मिलेगी, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, हमें जो भी लगता है इसमें कि हमें आगे जाना है या क्या करना है, अगर हम ऊपर की गतिविधि करना चाहेंगे तो वो कराएंगे, या अलग से अगर हमको लगता है कि कुछ अलग करना है तो हम उस पर काम करेंगे। पांचवा दिन क्या होगा, क्या होगा, सम्मेलन, सम्मेलन गतिविधि होगी और कार्य पत्रक पर आकलन करेगा पांचवें दिन में, और छठवां दिन रेमेडियल गतिविधि होगी और दो प्रकार के कार्य पत्रों की स्थिति हमारी बनेगी ग्रुप डिवाइडेशन के बाद। हमारे बच्चे अगर उपचारात्मक है तो हम उनको वो वाला देंगे, अगर अभ्यास गतिविधि है वाली है तो उनको अभ्यास गतिविधि कर देंगे। और सातवां दिन या जो छठवें के साथ साथ जो लगेगा वो कौन सा होगा, गृह कार्य। छठवें दिन हम क्या करेंगे, अनिवार्य रूप से हमको गृह कार्य भी देना है, और क्या सब दिन हमको गृह कार्य देना है, नहीं देना, पांच दिन भी देना है,